अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में दास किसान सहकारी चीनी लिमिटेड अलीगढ़ में अभी एक ऑडिट में एक मामला खुलासा हुआ है। अब देखना यह होगा कि 30 दिनों में बंदरों ने लगभग 35 लाख रुपए की चीनी चट कर दी है। यह मामला अभी 30 दिनों के अंदर ऑडिट में सामने आया है। देखना यह होगा कि वास्तव में ही ये बंदरों ने चीनी चट की है या मिलजुल कर आला अधिकारियों ने इसका गबन किया है। अभी अभी हम इस टाइम पे पहुँचे हैं चीनी मिल्स के अंदर। आप देख सकते हैं चीनी मिल्स की क्या हालत है। इसे देखते हुए लग रहा है लगभग 2000 से चीनी मिल्स बंद पड़ी है। यहाँ पे ऑडिट हुआ, ऑडिट में लगभग 15.5 क्विंटल चीनी मौजूद थी और यह करीब लगभग 30 दिन के अंदर 11.5 क्विंटल चीनी गायब हो गई। अब देखना यह होगा कि यह चीनी वास्तव में ही अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ है या इन्होंने बंदरों के सामने बताया जा रहा है कि बंदरों ने चट की है। यह सबसे बड़ा मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि 6 अधिकारी और कर्मचारियों पर कितनी कार्रवाई होती है। यह अभी शासन और प्रशासन का जांच का विषय बताया जा रहा है। ये 35 लाख रुपए की चीनी का आकलन वाइट शुगर के आधार पर कर दिया गया है। इसमें 35 लाख हमारे यहाँ BISS मतलब पीली कलर की चीनी जो कम रेट पर उठती है, वो कुछ चीनी शॉर्ट है और ये मामला सामने आया है। जब ऑडिट हुआ है तब मामला सामने आया और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत लंबी पुरानी, बहुत पहले से ये केस चले आ रहा है। कम से कम 25 साल पुराना यह केस है जो शॉर्टेज चली आ रही है। पहले वेयर हाउस में अलीगढ़ में 25 साल पहले गोदाम रखे लिए गए थे, वहाँ से कैसे कैसे शिफ्टिंग हुई, कब मामला शॉर्ट हुआ, ये गोदाम कीपर की लापरवाही के कारण इन्होंने गिनती नहीं करी, इस वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। और हर साल इसका वेरिफिकेशन होता रहा, किसी ने भी फिजिकली जाके एक एक बैग काउंट नहीं किया। अगर ये अगर हर साल में ये एक एक बैग काउंट किए होते तो आज इतनी शॉर्टेज नहीं होती, क्योंकि अगर शॉर्टेज कहीं भी होती है तो आदमी उसको मेकअप करने की कोशिश करता है जब प्लांट चलता है। तब पिछले 2 साल तक ये प्लांट चलते रहा, कभी भी शॉर्टेज को मेकअप करने का गोदाम कीपर ने प्रयास नहीं किया। अगर उसके पास उनकी नॉलेज में था कि इतनी शॉर्टेज है तो उसने मैनेजमेंट को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, ये जो चीनी थी मार्च 2024 में स्टॉक रजिस्टर पर 431 स्टॉक रजिस्टर पर जो दिखाते चले आ रहे हैं पहले से, वही सब दिखाते चले आ रहे हैं। उसमें किसी ने भी ये नहीं गुस्ताखी नहीं करी, उसमें फेर बदल कर दे। अगर उसमें उस समय गुस्ताखी किए हुए थे उस समय कैसे भी उन्होंने मैटर को सुलझा दिया। क्या लगता है तो चीनी कहाँ गई, कैसे कहाँ चली गई? एकदम से तो एक महीने के अंदर नहीं जा सकती कहीं पर भी, ये धीरे धीरे शॉर्टेज हुई है। तो ये तो जांच में अब सामने आया है ना? नहीं तो एकदम से तो ये जांच में तो जैसे पिछले महीने की रिपोर्ट गई है और इस महीने की रिपोर्ट में तो वो एकदम से मैटर उतना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ये बताइए, अब आप लोगों से इसकी रिकवरी के लिए कहा गया है क्या? देखिए हमारी विभागीय जांच हो चुकी है, हमारी सारी रिपोर्टें जो भी जो हमारे बयान हैं, जो हमारी हमसे क्वारी की गई है, उन्होंने हमने अपना अपना जवाब बना के GM साहब को दे दिया। अब GM साहब के ऊपर है कि वो उसको फेडरेशन को भेजते हैं या जिलाधिकारी महोदय को भेजते हैं। क्या लगता है इसमें जो है स्टॉक जो इंचार्ज है, गोदाम इंचार्ज है, उनकी गलती है? उनकी बेवकूफ़ी है, गलती नहीं है, उनको गिनती कर लेना चाहिए था। अनिल चौधरी, न्यूज़ 24, अलीगढ़।